माय डियर स्टूडेंट, आई एम मानवेंद्र यादव फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज टू का कंप्लीटिव और बहुत ही कम समय में। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर टाइम, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस देखें, यूज टू का हम कब करते हैं। यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस का जिक्र किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेंबर टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका ही हम कब करते हैं। और एंड सेकंड कंडीशन है सब्जेक्ट के बाद एजेमार प्लस वॉज वर्ब या विल बी शैल बी हैज बीन हैव बीन हैड बीन, इनके साथ में भी हम यूज टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट और ये सारी हैज के वर्ब्स देंगे प्लस यूज टू, और इसके साथ में जो दो कंडीशन है यूज टू के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आके या फिर यूज टू के साथ एम ई फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन सभी बातों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। मैं देखो इस अभी मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के साथ अगर आप एजेमार वॉज वर्ब लगाते हैं, आप इसमें देखो एक चीज कमाल की देखने को मिल रही है। ये सारी वी फॉर्म्स हैं। मैं क्रिकेट खेलने का आदि हूँ, यानी कि मैं आदि होना कंफर्टेबल होना, उसके साथ में कंफर्टेबल हूँ तो आदि है। इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, यहाँ यूज टू का मतलब ही आदि होना है। आई एम यूज टू प्ले, और ये देखो प्लेइंग हो जाएगा, आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट। ऐसा क्यों होगा जबकि आपने पढ़ा है कि यूज टू एक टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन यहाँ सोचो ये टू आपने लगाया नहीं है, ये पहले से ही लगा है, तो आप यहाँ पर वी फॉर्म का यूज करेंगे, आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट। अब देखो इसमें सब्जेक्ट जयमाला के यूज टू और एम ई फोर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके बाद यानी कि यूज टू के बाद अगर वर्ब आएगी तो आप उसकी वी फॉर्म का यूज करोगे, और अगर ये वर्ब नहीं आती तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि ये सेकंड सेंटेंस, वह इस माहौल का आदि है, ही इज आदि है तो यूज टू, ही इज यूज टू दिस एटमॉस्फियर। अब देखो इसमें आप देख पा रहे हैं यूज टू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी कि यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। यदि यहाँ पर भी वर्ब होती तो आप यहाँ पर उस वर्ब की वी फॉर्म लिखते, ही इज यूज टू दिस एटमॉस्फियर, वह कार चलाने का आदि हो गया है। अब हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप कहेंगे सर हैज हैव का यूज होना चाहिए, लेकिन आपने हैज बीन का यूज किया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो एजेमार वॉज वर्ब, ये सारी वी फॉर्म्स का यूज होगा। ही हैज बीन, वह हो गया है, ही हैज बीन यूज टू, यूज टू। अब यहाँ चलाना, चलाना क्या है, ड्राइव, तो यहाँ पर हम वी फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि इसकी वी फोर्थ टू फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म का यूज हो जाएगा। ही हैज बीन यूज टू ड्राइविंग कार, ड्राइविंग द कार, तो ये इस तरीके से बनेगा। आगे समझ में आ रहा ना सारी बातें, तो आदि होना मतलब यूज टू, और आदि होने के बाद अगर वर्ब आएगी तो आप आई एन जी फॉर्म लिखना, पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट लिखना। टॉम फुटबॉल खेलने का आदि हो गया था, अब टॉम हो गया था तो हैड बीन, ये बी बी जो है बी फॉर्म है, टॉम हैड बीन यूज टू, टॉम हैड बीन यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिफ्थ नंबर का, वह गांव में रहने का आदि नहीं था तो ही वॉज नॉट यूज टू, ही वॉज नॉट यूज टू। अब क्या होता है रहने का, तो रहना क्या है वर्ब, यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज होगी। ही वॉज नॉट यूज टू लिविंग गांव में, क्या लिखोगे इन विलेज या एट विलेज, क्या लिखेंगे, ही वॉज नॉट यूज टू लिविंग इन विलेज या फिर एट विलेज। गाइस जल्दी से मुझे बता देंगे कि आपको क्या लिखना होगा, एट विलेज या फिर इन विलेज। हाँ, मैं बिल्कुल दो सीट को सामने से हट गया हूँ, आप आराम से सेंटेंस को बना लें और मुझे आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। लेज के साथ
साथ में इनकरेज होता है, ही वॉज नॉट यूज टू लिविंग इन डेट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, मैं इस माहौल का आदि नहीं हूं, आई एम नॉट यूज टू, और देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सीधा ऑब्जेक्ट दिस एटमॉस्फेयर, ओके। नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस इसका, मैं उसके नखरों का आदि हूं, नखरा पता है किस चीज का, तो फिर आराम से बनता है, आई एम यूज टू आदि हूं। अब नखरा, उसके नखरे हर टेंटम्स, टेंटम्स ये रहा आपका ये सेंटेंस, ये तो रहे सारे आदि होना, यानी अगर हम आदि होने की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद लीजिए मान रोजगार बिल्ली हैड बी का यूज करके, ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर वर्ब है तो उसकी वी फॉर्म वी फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, यानी एम बी फोर का यूज करना है, एम बी फोर मतलब वर्ब की आई एन जी फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हमने अभी इस स्ट्रक्चर से पढ़ा, अब सेकेंड स्ट्रक्चर पर आते हैं, इस सेकेंड स्ट्रक्चर का यूज कब और कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें मेरी कोशिश ये है कि बहुत ही स्मॉल वीडियो, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप कम समय में ज़्यादा सीखेंगे गाइस। और देखो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को विद इन शॉर्ट टाइम, सबसे कमाल की बात है कि थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट चीज़ें चाहिए हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस, तो आप क्लास ज्वाइन कर लें, जिसमें आप सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से फुल प्रैक्टिस कंप्लीट तरीके से सीख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज टू का यूज करेंगे डायरेक्ट, इसका यूज हम कब करते हैं, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सीधी सौ बात की एक बात है, वो क्या बात है देते हैं, यानी कि यूज टू का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस की हैबिट को बताने, ये जो यूज है ये पास्ट टेंस की हैबिट को शुरू करने के लिए हम यूज टू का यूज करें, जैसे मैं क्रिकेट क्रिकेट खेला करता खेला करता था। अब देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ खेलता था, खेला करता था मेरी हैबिट है पास्ट समय की, पर अब मैं नहीं खेलता, तो आप बनाएंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आप कहोगे सर इसमें बर्बारी इसमें आई एन जी क्यों नहीं लगी, इसमें पहले से ही इसमें देखो एरिया मार बोझ पर कुछ भी नहीं लगा, तो आप इस तरीके से बनाएंगे I used to play cricket, मैं क्रिकेट खेला करता था। नेक्स्ट, जब मैं छोटा बच्चा था मैं बॉर्न बीटा किया करता था, गीता नहीं था किया करता था, यानी कि इसमें इस तरीके के वर्ड्स आएंगे, करता था, तो जब मैं छोटा बच्चा था when I was small kid, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं क्या करता था, तो आप कॉमा लगा दें, मैं बॉल बीटर क्या करता था, I used to drink, या फिर मैं लिख रहा हूं एक बॉल बीटा, क्लियर। आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब देखो अगर बात करें किसी में निगेटिव सेंटेंस आ गया तब आप कैसे बनाएंगे, जैसे वह कंचे, बच्चे जानते किस में होता है, वह कंचे नहीं खेला करता था, इस सेंटेंस में निगेटिव है, तो निगेटिव अगर आप देखें ये पास्ट इंडेफिनिट से मिलता जुलता है, आप चाहो तो इसको ऐसे बनाओ तो ही डिड नॉट, और डिड नॉट में क्या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, He did not used to play marbles. Marbles मतलब कंचे जो आप बचपन में खेलते थे।
ही डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स। अगर आप डिड नॉट का यूज नहीं करना चाहते तो विदाउट यूजिंग डिड नॉट आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे? ही यूज, अगर आप यूज लिखना चाहते तो आप देखो ही यूज नॉट टू प्ले मार्बल्स, ये आपका इस तरीके से भी बन जाएगा। लोग कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ें पहले से बहुत ही क्लियर। अब अगर हम इंटरव्यू सेंटेंस की बात करते हैं, क्या तुम बचपन में लुका छिपी। देखो भाई, अगर चीज़ों को डिटेल में चाहते हो और बहुत ही शानदार चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। क्या तुम बचपन में लुका छिपी खेला करते थे? ये तो यूट्यूब है, इसमें तो जितना हो सकता है कम समय में छोटे से वीडियो में मैं पॉसिबल जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम बचपन में लुका छिपी खेला करते थे? तो अगर आप फिर से बना दो डिड यू यूज टू, अब डिड लग गया तो यूज होगा, डिड यू यूज टू प्ले लुका छिपी हाइड एंड सीक तब बचपन में, इन चाइल्डहुड। इस सेंटेंस को भी आप विदाउट यूजिंग डिड भी बना सकते हो। अगर आप विदाउट यूजिंग डिड से बना चाहते हो तो फिर आपको लिखना होगा यूज यू, तो फिर मैं बना के बता देना यूज यू टू प्ले हाइड एंड सीक इन चाइल्डहुड। सो गाइस, इस तरीके से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो कुछ और चीजें भी सामने निकल कर आ सकते हैं। यानी कि एक हम इसका यूज टू का यूज कब कर सकते हैं, मैं कार यूज करता हूँ, मैं इस कार का प्रयोग करता हूँ, तो इसमें भी आई यूज दिस कार आप इस तरीके से बना सकते हो। अब आती है बारी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस सेशंस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस को आपको बता रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस में करें। जैसे वह गिल्ली डंडा खेला करता था। क्वेश्चन सोमवार, मैं बचपन में नदी किनारे जाया करता था। रश्मि झूठ नहीं बोला करती थी, बोला करती थी। नेक्स्ट देखें, क्या तुम उसे खूब पीटा करते थे, पीटा करते। आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में कीजिए और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, दिस इज वंडरफुल वीडियो फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। डू कमेंट्स इन अ कमेंट सेक्शन बिलो गाइस, थैंक यू सो मच।